ये मोशन अंडर ग्रेविटी का दूसरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि द प्लेटफॉर्म ऑफ एन एलिवेटर मूव्स डाउन अ माइन शाफ्ट एट एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द शाफ्ट। मतलब उसने क्या कहा है कि हमारा एक एलिवेटर है, ये दो रिजिड वॉल्स मान लो, तो पहले तो अपना एलिवेटर यहां पर था, ऐसे मान लेते हैं कि पॉइंट ए पे था। फिर बाद में ये बी पे आ गया। अभी देखिए, तो पहले लाइन में ऐसा बात कहा गया है कि प्लेटफॉर्म ऑफ एन एलिवेटर मूव्स डाउन अ माइन शाफ्ट ऑफ एन एक्सेलरेशन 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इस पूरे जो प्लेटफॉर्म है उसका एक्सेलरेशन होगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज ए। ठीक है जी, तो फिर हम क्या करेंगे, हमें आगे बताया गया है कि आफ्टर द एलिवेटर हैज मूव डाउन बाय 20 मीटर, कि 20 मीटर से जब ये नीचे आएगा, हमने एक बॉल गिरा दी फ्रॉम द टॉप ऑफ द शाफ्ट, मतलब जो यहां पर था ए पॉइंट से हमने इसको नीचे गिरा दिया। मतलब कैसे कि जब ये एलिवेटर बी पे आएगा, बी और ए के बीच में डिस्टेंस कितना है उसने बताया 20 मीटर्स, तो जब ये डिस्टेंस बी पे आएगा, मतलब ये जब प्लेटफॉर्म बी पे आएगा, तब हमें हमने क्या करा है, हमने ऊपर से एक बॉल को इसको नीचे गिरा दिया, मतलब नीचे गिराने की कोशिश करी है। पर ये बॉल भी पहले तो रेस्ट पे थी, ऐसा उसने कहा है, बॉल पहले रेस्ट पे थी और साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि वो जो प्लेटफॉर्म है वो भी पहले रेस्ट पे था, कि प्लेटफॉर्म ऑफ द एलिवेटर मूव्स डाउन अ माइन शाफ्ट एट एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। मतलब प्लेटफॉर्म भी रेस्ट पे था और बॉल भी रेस्ट पे थी, तो दोनों भी नीचे गिरने से पहले उन दोनों के भी वेलोसिटी जीरो थी, पर एलिवेटर के प्लेटफॉर्म को पहले नीचे गिराया गया और फिर बाद में बॉल को नीचे गिराया गया, पर बॉल भी उसी ऊंचाई से नीचे गिराए गए जहां से एलिवेटर को नीचे गिराया गया। ठीक है जी, तो बॉल का भी पोजीशन पहले ए था और एलिवेटर का भी पोजीशन पहले ए था, और बॉल को कब गिराया गया है, बॉल को तब गिराया गया है जब हमारा एलिवेटर 20 मीटर नीचे आएगा, जब हमारा एलिवेटर 20 मीटर नीचे आएगा उसी इंस्टेंट पे हम बॉल को भी नीचे गिरा देंगे फ्रॉम द पॉइंट ए। और नीचे गिराने का तकनीक कैसा है कि नीचे गिराते समय हम बस उसको छोड़ देंगे, मतलब जैसे कि ये पेन था उसको छोड़ दिया, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी जीरो रखी हुई है यहां पर, क्योंकि यहां पर उसने बॉल को ड्रॉप किया है। ये भी जरा ध्यान में रखिए कि बॉल की वेलोसिटी जीरो कैसे हुई, इनिशियल वेलोसिटी, बॉल की वेलोसिटी जीरो इसलिए हुई क्योंकि उसने क्वेश्चन में यह बताया हुआ है कि बॉल को ड्रॉप कर दिया है, मतलब बॉल को जब ड्रॉप करेंगे तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें चेंज नहीं करनी है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो रखनी है और उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेंगे, मतलब हम अपने से कोई ताकत नहीं लगाएंगे, ग्रेविटी जो भी लगानी है वो लगा देंगे, पर हम अपने से कोई ताकत नहीं लगाएंगे, उसको फेंकेंगे नहीं, उसको बस ड्रॉप करना है। फेंकना और ड्रॉप करना अलग अलग बात हो गई। ठीक है जी, तो ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो मानेंगे। ठीक है, तो फिर आगे उसने पूछा है कि जैसे ही हमने इसको ड्रॉप किया, बॉल को ड्रॉप किया और अपना एलिवेटर भी नीचे नीचे आ रहा है, तो एक पॉइंट भी ऐसे आएगा जब ये एलिवेटर और ये बॉल
ये एलिवेटर और ये बॉल मिल जाएंगे, टकराएंगे, तो फिर फाइंड द टाइम एट विच द बॉल विल हिट द एलिवेटर, मतलब कितने टाइम के बाद ये बॉल एलिवेटर को हिट करेगा, ये हमें ढूंढना है। और ये भी ढूंढना है कि अगर ये हिटिंग टाइम, ये दोनों भी जहां पर मिल रहे हैं, अगर उस पॉइंट को हम अगर सी मान ले, तो उसने ये कहा है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द एलिवेटर व्हेन द बॉल हिट्स द एलिवेटर, कि डिस्टेंस कितना मूव किया एलिवेटर ने जब बॉल ने एलिवेटर को हिट किया, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उसको मैं एच बोलता हूं कि बी से सी जब ये एलिवेटर आया यहां पर, तब बी से सी जब भी ये एलिवेटर यहां पर गुजरा, तो वो उसने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो हमारा ये पूरा सिनेरियो है क्वेश्चन का। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन हम इसमें लगा सकते हैं। तो आपको याद होगा कि हमारे तीन काइनेमेटिक इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस, यहां पर प्लस नहीं होगा, हाफ जी टी स्क्वेयर, और v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस टू जी एस। और ये चीज, ये काइनेमेटिक इक्वेशन उन पार्टिकल के लिए है जहां पर उन पार्टिकल पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लग रही है, मतलब वहां पर बस जो a की वैल्यू है वो g है। ठीक है जी, तो जहां पर a की वैल्यू g होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी, वहां पर ही हम इस इक्वेशन को लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आप ध्यान में रखिए। पर यहां पर क्या हो रहा है, देखिए हमारा बॉल तो ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है, पर हमारा एलिवेटर नीचे गिर रहा है क्या ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से? नहीं, एलिवेटर का खुद का एक एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वो है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी वो एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में है या नीचे की डायरेक्शन में है? तो वो नीचे की डायरेक्शन में है। तो जब भी हम एलिवेटर का काइनेमेटिक इक्वेशन लिखेंगे, तब हम एक्सेलरेशन की जगह पर क्या लिखेंगे, प्लस 0.4 लिखेंगे या माइनस 0.4 लिखेंगे? तो माइनस 0.4 लिखना चाहिए, क्योंकि वो नीचे की डायरेक्शन में है। ठीक है जी, तो ये तीन इक्वेशन हम किसके लिए लगाएंगे, बॉल के लिए लगाएंगे, और ये वाले इक्वेशन हम एलिवेटर के लिए लगाएंगे। ये सब हम एलिवेटर के लिए लगाएंगे, एलिवेटर प्लेटफॉर्म। ठीक है जी, तो फिर हमने इतना तो बना लिया सब कुछ, अभी इनका हमें यूज करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। हमें इतना मालूम है कि एलिवेटर बी से सी पे जा रहा है, मतलब वो नेगेटिव डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अभी नेगेटिव डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो क्या करेंगे, तो नेगेटिव डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो हम देखते हैं, हम ये इक्वेशन यूज करते हैं, देखते हैं। हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, तो फिर यहां पर s जो है वो है नेगेटिव h, क्योंकि वो डाउनवर्ड आ रहा है, और u क्या रहेगा, ये भी बहुत एक क्वेश्चन है। हमें ये तो समझ में आ गया कि हम ऐसा तो इक्वेशन लिख लेंगे,
पर यू को क्या लिखेंगे? तो यू को पहले ढूंढना पड़ेगा, तो यू पहले देखना पड़ेगा कि एट द पॉइंट ऑफ बी, कि पॉइंट बी पे यू की क्या वैल्यू है, मतलब वेलोसिटी ऑफ द एलिवेटर एट द पॉइंट बी। ठीक है जी, तो हम देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ वीवी क्या होगा। यू वीवी विल बी यू माइनस एटी। अभी वीवी देखिए, वीवी ने वीवी, अभी हमें टाइम तो मालूम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है जी, तो हम ये वाला इक्वेशन लगाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, दिस इज ए, तो पहले तो वो जीरो था, कि पहले ये एलिवेटर की, एलिवेटर की जो भी स्पीड थी वो जीरो थी, और बाद में एलिवेटर का एक्सेलरेशन उसने बताया है वो 0.4 है, और उसने ये भी बताया है कि ये 20 मीटर है, तो 20 मीटर लिख दिया। तो और उसने ये भी कहा है कि ये 20 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो 20 माइनस 20 लिखेंगे, मतलब एस बी ए विल बी माइनस 20 लिखेंगे, वो पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, माइनस 20, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इन दिस इन द डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है जी, तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हम उसको माइनस 20 लिखेंगे, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आएगा आपके पास क्या, आपका जो भी वीबी आएगा वो क्या आने वाला है, आपका वीबी आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये वीबी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम वीबी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, वीबी का मैग्नीट्यूड है 4 मीटर पर सेकेंड, पर वीबी का जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा इसलिए हम उसका डायरेक्शन के साथ लिखना है, तो हम 4 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे, माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो इतना आप ध्यान में रखिए, ये ऐसा होगा। अभी ये दो बॉडी जब मिलेंगे, मतलब एलिवेटर जब बॉल से हिट करेगा तब वो एट द डिस्टेंस एच पे हिट कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट बी एट सी, और एट टाइम टी नॉट पे हिट करेगा, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है जी, और ये टी नॉट कहां से शुरू हो रहा है, मतलब यहां पर हमने क्या किया, एक घड़ी लगा दी, कि घड़ी कैसे लगाई, कि यहां पर हमने स्टॉपवॉच ऑन किया, स्टॉपवॉच ऑन किया और यहां पर स्टॉपवॉच ऑफ किया, मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, कि हमारा जब भी ये पॉइंट, हमारा जब भी ये एलिवेटर बी पे आएगा तब हम अपना स्टॉपवॉच ऑन करेंगे, और स्टॉपवॉच ऑन करेंगे तब उसका टाइम रिकॉर्ड होगा 0 टाइम, एट द टाइम 0 सेकेंड्स, और जब वो हिट करेगा तब हम स्टॉपवॉच को ऑफ कर देंगे एट द टाइम टी इज इक्वल टू टी नॉट सेकेंड्स। ठीक है जी, तो ये टाइम से हमारा कंसर्न है कि हम ऐसे करेंगे इसको, हम इसको नहीं जीरो मानेंगे फिलहाल के लिए, मतलब एट द टाइम, मतलब जब वो ए से बी तक जाता है, मतलब जब भी हमारा एलिवेटर ए पर था तब हम उस टाइम को जीरो नहीं मानेंगे, हम अभी इसके इस एग्जाम्पल में हम बी पे जब भी वो एलिवेटर था तब उस टाइम को हम जीरो मानेंगे। ठीक है जी, तो वो जीरो माना है इसलिए हम सी का जो भी टाइम है, सी पे जब भी वो मिलेंगे तब उस टाइम इंस्टेंट को हमने टी नॉट माना हुआ है। ठीक है जी, तो टी नॉट टाइम पे वो मिल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है जी,
तो आगे आते हैं। आगे हमें मालूम है कि हमने ये इक्वेशन पहले लिखा हुआ था, ये आपको याद है, माइनस एच इज इक्वल टू माई यू टी माइनस हाफ पॉइंट फोर टी स्क्वायर। तो यहां पर माइनस एच वैसे का वैसा रहेगा, अभी यू टी लिखना है ना हमें यहां पर, तो यू की जगह पर मैं लिखूंगा माइनस फोर बिकॉज यू इज इन द डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि यहां पर देखिए, जब हम इस टाइम को टी जीरो एज्यूम करते हैं, टी इज इक्वल टू जीरो एज्यूम करते हैं, तब उसके पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी थी, और वो वेलोसिटी क्या थी, वो थी माइनस फोर बी माइनस फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो ये वेलोसिटी बी और सी के बीच में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसके लिए ये माइनस फोर मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी रहेगी। मतलब हमारा जो वीबी था वो अभी हमारा हो जाएगा यू, मतलब वीबी को हम बोलेंगे यू। ठीक है जी, तो ये इनिशियल वेलोसिटी बन गया। अभी हमारा ये टाइम टी कितना रहेगा, ये टाइम टी नॉट, ये टाइम कितना रहेगा, टी नॉट रहेगा, मतलब वो टी नॉट टाइम पे मिल रहे हैं ना सी पे। तो ये बी और सी के बीच में जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिस्प्लेसमेंट होने के लिए कितना टाइम लगा, टी नॉट टाइम लगा, बिकॉज टाइम कैसे कितना लगा वो पास कर वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल टाइम क्या था, टी नॉट था, डेल्टा टाइम इज इक्वल टू फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल टाइम कितना था, टी नॉट, और ये था जीरो। ठीक है जी, तो ये जब करेंगे तब हमारा आएगा डेल्टा टी विल बी टी नॉट। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहां पर हम डालेंगे माइनस क्या आप समझ गए ये चीज कि माइनस एच माइनस फोर क्योंकि वो डाउनवर्ड में था, माइनस एच क्योंकि वो डाउनवर्ड में था, माइनस पॉइंट फोर क्योंकि वो डाउनवर्ड में था एक्सेलरेशन, और टी नॉट स्क्वायर। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन चुका, अभी दूसरा इक्वेशन लिखते हैं। दूसरा इक्वेशन किसके लिए लिखेंगे, अभी ये दूसरा इक्वेशन किसके लिए लिखेंगे, तो दूसरा इक्वेशन हम लिखेंगे बॉल के लिए। तो बॉल का हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे देखिए जरा, बॉल कैसे ट्रैवल कर रही है, बॉल ए से सी तक ट्रैवल कर रही है, बॉल ए से सी तक ट्रैवल कर रही है, मतलब उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, 20 प्लस एच। तो हमारा एस क्या रहेगा, 20 प्लस एच, पर हालांकि 20 प्लस एच डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हम इसको नेगेटिव मानेंगे। ठीक है जी, क्योंकि एज पर अवर प्रीवियस साइन कन्वेंशन, ठीक है जी, तो वो नेगेटिव होना चाहिए। अभी बॉल के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी क्या, नहीं थी। एक्सेलरेशन क्या था बॉल के पास, वो था माइनस जी क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, इसलिए हम नेगेटिव माइनस 8.1 माइनस 9.1 हम लेंगे। ठीक है जी, तो हम ये सॉल्व करते हैं। तो 20 प्लस एच इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस एच इज इक्वल टू, हम ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो वो वाला इक्वेशन लगा करके हमारा यू तो पहले जीरो था और माइनस 9.81 इंटू, ये बॉल को यहां से यहां तक आने के लिए, मैं बॉल की बात कर रहा हूं, एलिवेटर की बात नहीं कर रहा हूं,
बॉल को ए से सी तक जाने के लिए कितना टाइम लगा? उसको टी नॉट टाइम लगा, क्योंकि बॉल टी इज इक्वल टू जीरो सेकेंड पे यहां पर था। क्या आप ये इमेजिन कर पा रहे हैं कि ये मैंने टी नॉट मतलब टी इज इक्वल टू जीरो सेकेंड पे क्या सिनेरियो था, मैं बताता हूं आपको। टी इज इक्वल टू जीरो सेकेंड पे अपना जो एलिवेटर था वो बी पे था, एलिवेटर के पास 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी थी और 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन थी, और उसी टाइम पे मतलब टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पे हमारा बॉल को हमने जस्ट छोड़ दिया था विथ यू इज इक्वल टू जीरो से, और उस पर ग्रेविटी एक्सेलरेट कर रही थी, तो एक्सेलरेशन वॉज -9.81। ठीक है जी, तो ये सिनेरियो कब का है? ये सिनेरियो तब का है जब हमने एट टी इज इक्वल टू जीरो सेकेंड हमने माना हुआ है। तो ये टी इज इक्वल टू जीरो सेकेंड पे बॉल ए पोजीशन पे था और एलिवेटर बी पोजीशन पे था। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो एट टी इज इक्वल टू टी नॉट टाइम पे क्या हुआ? टी इज इक्वल टू टी नॉट टाइम पे बॉल और एलिवेटर दोनों भी मिल गए। सो एट टी इज इक्वल टू टी नॉट टाइम पे बॉल और एलिवेटर एक दूसरे को मिल गए। ठीक है जी, तो टी नॉट टाइम पे दोनों मिल रहे हैं। तो वापस हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि बॉल को ए से सी तक जाने के लिए कितना टाइम लगा? उसको टाइम लगा टी नॉट। ठीक है जी, तो उसको टी नॉट सेकेंड लगे, बीच में टी नॉट सेकेंड्स गुजरे, इसलिए हम ये टी नॉट यहां पर लिख रहे हैं। तो ये स्क्वायर, और आपके पास दो इक्वेशंस आ गए हैं। अभी दो इक्वेशंस है, ये आप लिख लीजिए और h की वैल्यू यहां से यहां पर पुट कर दीजिए, तो आपको h की वैल्यू जब हम यहां पर पुट कर देंगे तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो ये बन जाएगा, और फिर बाद में आप इस क्वेश्चन को जब आप कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करेंगे तब आपको टी नॉट की वैल्यू मिलेंगी 2.53 सेकंड्स, एंड टी नॉट विल बी, दूसरा जो रूट मिलेगा वो होगा 1.68 सेकंड्स। अभी हमें हालांकि मालूम है कि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हम हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे टाइम को, तो हम उसको छोड़ देंगे, इसको पकड़ेंगे। तो अपना h की वैल्यू जो भी होगी वो क्या होगी वो तो देखते हैं। तो फिर हम जब h की वैल्यू में t नॉट की जगह पर 2.53 रखते हैं तो क्या होगा? तो हम यहां पर कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे हैं? हम यहां पर ये वाला इक्वेशन यूज कर रहे हैं। तो ये वाला इक्वेशन में t नॉट की वैल्यू जब डालेंगे 2.53 तो क्या होगा वो देखते हैं। तो आप जब ये कैलकुलेट करोगे, ये कैलकुलेट करने के बाद आपको h की वैल्यू आएगी 11.4 मीटर। ये एग्जैक्ट 11.4 नहीं आएगी, थोड़ा सा अगल बगल हो सकता है, 11.41 412 ऐसा हो सकता है, पर आप इतना लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर हो गया। मतलब क्या हुआ, उसने दो क्वेश्चंस हमें पूछे थे, दो क्वेश्चंस के आंसर हमें फाइंड आउट करने थे। पहला क्वेश्चन था कि टाइम एट विच द बॉल विल हिट द एलिवेटर एंड डिस्टेंस मूव बाय द एलिवेटर व्हेन द बॉल हिट्स द एलिवेटर। मतलब हमें एक टी नॉट फाइंड आउट करना था और दूसरा फाइंड आउट करना था एच। तो टी नॉट भी हो गया, एच भी हो गया,
तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है जी, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो और ये वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।